देखिए इसमें भी वही बात है कि तीन इवेंट्स आप बना लेंगे, लेट्स से दीज आर द थ्री इवेंट्स एंड दिस इज देयर। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, राइट, बिकॉज द एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड इन अनदर केस, राइट। सो लेट्स से दिस फर्स्ट इवेंट, लेट्स से द सेकेंड इवेंट, लेट्स से दिस इज द थर्ड इवेंट, राइट। सी ए इवेंट, बी इवेंट एंड दिस इज द सी इवेंट। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू गिवन बाय पी ए प्लस पी बी। हम डायरेक्टली अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप समझ पाएंगे, प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ये फॉर्मूला बनाया हुआ है और इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और सी, ऐसा लिख सकता है ए कॉमा बी और सी, ए बी सी किसी में से भी किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर लैंग्वेज यूज की जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और एंड सी करके लिखेगा। देखिए लैंग्वेज में यहाँ एंड को आप गलत मत समझ लेना, इस एंड का मतलब वो नहीं है कि इंटरसेक्शन आ रहा है इसमें, इसमें इंटरसेक्शन नहीं है ये, क्योंकि लैंग्वेज है, इंग्लिश की लैंग्वेज है, वो बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ, कम से कम एक हो रही हो, तो मतलब वो जो टोटल कंप्लीट शेडिंग पार्ट है, वन टाइम शेडिंग, मान लीजिए इसकी जो शेडिंग है वो रिक्वायर्ड है। अब एक काम करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए हम इसको डायग्राम को ऐसा करते हैं कि इसके स्केच में स्ट्रेट रख देता हूँ, लेट से दिस इज द स्ट्रेट वन, राइट, और जो फॉर्मूला हमने लिख दिया डायरेक्टली उसको हम समझते हैं कि क्यों ऐसा लिख दिया गया है, राइट। सो दिस इज द वन टाइम शेडिंग ऑफ दिस, दिस इज द पी ए, यू कैन से दिस इज द पी ए, राइट। पी बी को मैं इस तरह से इस एंगल पे रखता हूँ, इसकी शेडिंग को, इसकी शेडिंग हम सपोज करो इस एंगल पे डालते हैं, राइट। सो दिस इज द पी बी, दिस इज पी बी देयर, राइट, एंड लेट से पी सी इज देयर। पी सी को हम इस एंगल पे ले लेते हैं, इसमें एंगल चेंज कर दिया, ये तीनों के स्केचिंग आप देख पा रहे हैं, तीनों के स्केचिंग जो है वो आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है इधर, राइट। सो दिस इज द स्केचिंग फॉर द थर्ड। नाउ सी, जो पी ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए था, पी ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए था, वो वन टाइम शेडिंग चाहिए थी, वन टाइम शेडिंग चाहिए थी। सो वन टाइम तो हमने लिखा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, वन टाइम तीनों को ऐड कर दिया, लेकिन जो डबल कटिंग है, देखिए यहाँ डबल कटिंग है, यहाँ डबल कटिंग है, यहाँ डबल कटिंग है और यहाँ डबल कटिंग है। डबल कटिंग का मतलब यह है कि ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। सो ए इंटरसेक्शन बी में डबल कटिंग है और जो मोस्ट इंटरसेक्टेड पार्ट है, दिस वन इज द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो तीन बार कट हो गया है, इट इज कट थ्री टाइम्स। थ्री टाइम्स का मतलब यह है कि हम एक बार उसको रिमूव करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया, ठीक बात है, दूसरा बी इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, बी इंटरसेक्शन ये सी ये होता है पूरा, इस पार्ट को हम बी इंटरसेक्शन सी बोलते हैं, दिस इज द बी इंटरसेक्शन सी पार्ट एंड दिस इज द सी इंटरसेक्शन ए पार्ट, राइट। सो व्हाट इज देयर व्हेन यू रिमूव द ए इंटरसेक्शन बी, व्हेन यू रिमूव द ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, रिमूव किया बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया, माइनस सी इंटरसेक्शन ए किया, सी इंटरसेक्शन ये वाला पूरा पार्ट है, सी और ए का टोटल कॉमन इंटरसेक्टेड है, जब उसको तीनों को आपने माइनस कर दिया तो जो बीच में है, जो मोस्ट कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बिकॉज ये थ्री टाइम्स शेडिंग हुई थी इसमें, इसमें देख लीजिए आप थ्री टाइम शेडिंग दिख रही है, सो थ्री टाइम शेडिंग थी, वो तीनों बार हटाने पर वन टाइम रिमूविंग सेकेंड टाइम रिमूविंग थर्ड टाइम रिमूविंग वो पूरा का पूरा हट गया। और हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी में वन टाइम शेडिंग चाहिए सब जगह, सब जगह वन टाइम शेडिंग चाहिए, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए एक बार फिर इसको ऐड करना पड़ेगा,
और इसी तरह से ये फॉर्मूले को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहीं पे एक कंडीशन फिर आ जाती है, केस इसमें भी वही लग जाता है। नाउ इफ एबीसी, एबी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन देन यू कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी होगा। बाकी सारे पार्ट्स की जरूरत नहीं है। रीजन आप समझ ही सकते हैं कि तीनों जो सेट बनाएंगे वो आपस में डिसजॉइंट हैं, कोई भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा। ये ए है, ये बी है, सी है, अलग अलग है। एंड यू रिक्वायर द ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी। सो देयर फॉर यू हैव टू रिमूव द ऑल द अदर माइनस एंड दीज थिंग्स, वो सब हटा देंगे। सो दैट इज नोन द प्रोबेबिलिटी एंड दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उस केस में ये आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेते हैं, ये तीन इवेंट्स का केस हो गया। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट, इफ लेट्स से इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स हो और उसमें कुछ डिस्कशन करना है हमें, उसमें केस ये लेना है कि नाउ से विल से द फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्यूरेंस ऑफ ओनली ए ऑक्यूरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ए ओनली। दैट मीन्स दैट उसके लिए ऐसा है कि दो में आपस में इंटरसेक्टेड कोई पार्ट होगा, सो उसमें आप चाहते हैं कि खाली ए हो, तो ए हो मीन्स ये वाला पार्ट आपको चाहिएगा, राइट। एंड दिस इज द बी, सो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से हटा देंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल टू सी फ्रॉम द वेन डायग्राम, राइट। और इसी तरह से अगर ये हो कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रिक्वायर्ड है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बट बी, बी बट ए नॉट, लाइक ऐसा लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑक्यूरेंस ऑफ ओनली बी, खाली बी हो ए नहीं हो, तो उसमें आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप बात समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सपोज वी आर टेकिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन, तो उसको हम इस तरह से लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज ए इंटरसेक्शन बी नॉट, या फिर ए नॉट इंटरसेक्शन बी, और इसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन आएगा। तो फिर इसमें आपको पता है डायग्राम इसमें इस तरह से बनेगा, सो दैट पर्टिकुलर डायग्राम इज एग्जैक्टली वन का ये हो जाएगा कि आप एग्जैक्टली इसको लिखेंगे, राइट, और इसको लिखेंगे, एंड दिस इज ए दिस इज बी। सो यू हैव टू सिंपली राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसमें से उसको हटा देंगे, राइट। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसको हमने देखा था, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं, देखिए फोर्थ केस ये आ जाएगा। इफ इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सपोज बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए ओनली व्हेन बी इज नॉट देयर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, राइट, और बी नहीं चाहिए, एंड वी सी दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सो इफ बी इज क्लियरली सबसेट ऑफ ए, तो मतलब इसको देख सकते हैं हम कि बी सबसेट है ए का, तो ए बड़ा सेट होगा और बी उसके अंदर आ रहा है, दिस इज द बी इज अ सबसेट ऑफ ए, एंड वी रिक्वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली व्हेन बी इज नॉट देयर, बी नहीं हो, तो आप सिंपली एक काम करेंगे इस केस में कि ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी
probability A is complete value, right? Minus probability of B, B को remove कर देंगे, so ये खाली आपको देगा, this is known as the shaded part जो है, वही result देगा, and that will be the required probability as per Venn diagram. Venn diagram बहुत ही ज़्यादा helpful होता है, क्योंकि आपको visualization आ जाता है, उसमें पता लग जाता है कि किस part की आप probability लिख रहे हैं, बहुत ही आसान चीज़ है, right? So if B is a subset of A, then this is there, right? लेकिन अगर इसका उल्टा हो तो पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, राइट? सो दिस इज द एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी.